गुजरात चैंपियंस ऑफ आईपीएल 2022 के सीजन को भी थोड़ा सा मोड़ के देखते हैं, और शायद किसी ने भी संजय उम्मीद नहीं की थी कि पंड्या एंड कंपनी जो है वो सभी को गलत साबित कर देंगे इस तरीके से। लखनऊ के खिलाफ पहले मुकाबले में जीत दर्ज करके सबको चौंकाया था, और फिर वो विनिंग मोमेंटम ऐसा कायम किया कि पहली टीम बने क्वालिफाई करने वाली, टॉप पे भी फिनिश किया, क्वालिफायर वन भी जीता, फाइनल भी आसानी से जीता कन्विंसिंग मार्जिन से। सबसे इंप्रेसिव चीज आपको गुजरात की क्या लगी? सबसे इंप्रेसिव चीज तो हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, रशीद खान। रशीद खान इंप्रेसिव, बट ऐसे कोई सरप्राइज नहीं था उसमें। डेविड मिलर सबसे बड़े सरप्राइज थे, क्योंकि कई सालों से हम देख रहे हैं, एक दो साल शुरुआत में छोड़कर उनका पूरा आईपीएल फेलियर ही रहा है, और सडनली इस सीजन आके एक दूसरे फ्रेंचाइज के लिए उनका सबसे बेहतर आईपीएल सीजन, और फाइनल में भी जो अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की, क्वालिफायर वन में जिस तरह से मैच जीता है, तो ये एक बड़े पॉजिटिव रहे। और हार्दिक पांड्या, ऐसे लगता है कि कुछ नजर ना लगे जिस तरह से क्रिकेट खेल रहे वो, क्योंकि गेंदबाजी शानदार, बल्लेबाजी में हर गियर में खेल रहे थे, नंबर चार पे खेल के नंबर चार के बल्लेबाज की तरह खेल रहे थे, और ऊपर से कप्तानी में अच्छे टैक्टिक्स, साई किशोर ने 16th और 18th ओवर किया, तो ऐसे धोनी की तरह कप्तानी के मैच देख के, उधर की रियलिटी देख के कप्तानी, और सबसे बड़ी बात बहुत ही रिलैक्स लग रहे, कप्तानी को एंजॉय कर रहे, तो ये एक बड़ा कारण था। और काफी सारे कॉन्ट्रीब्यूशन संजय, आपने जैसा कहा हार्दिक के लिए सर्वश्रेष्ठ सीजन रहा ये बल्ले से भी, गेंद से तो उन्होंने वो परफॉर्मेंस दिया ही, फाइनल में 487 रन बल्ले से बनाए, शुभमन के 483 रन, मिलर के जिनकी आपने तारीफ की 481 रन, टॉप थ्री बैटर्स में सिर्फ 6 रन का फर्क था। उसके अलावा आपने राशिद की बात की, साई किशोर, साथ साथ मोहम्मद शमी जिन्होंने 20 विकेट चटका, ये कितने अहम थे अगर इंडियन बॉलर्स को देखा जाए इस खेमे में? मोहम्मद शमी आपको शुरुआत में विकेट देंगे, बीच में और अंत में जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, अभी भी यॉर्कर पूरी तरह से वो डाल सकते हैं, तो शमी एक दूसरे उनके एक रिलायबल बॉलर होंगे। रशीद खान और साई किशोर का कॉम्बिनेशन बहुत ही मजेदार है, बिल्कुल अलग किस्म के स्पिनर है, और टेम्परमेंट अच्छा लगता है साई किशोर का, तो ये बॉलिंग यूनिट लगता है कि सेट है। शायद बल्लेबाजी में एक फॉरेन प्लेयर मैथ्यू वेड, अभी तक आईपीएल के नर्व्स उनके अंदर अभी भी है, अगर वो निकल जाए तो और धार आ जाएगी उनकी तलवार में। और अगर अगले सीजन को की तरफ देखें गुजरात टाइटंस, अभी तो थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे और वो बनता भी है, लेकिन अगले सीजन में इस चैंपियन टीम से और उम्मीदें भी बढ़ जाएंगी, जैसा कि हमेशा होता है, सनराइजर्स हैदराबाद ये बात जानते हैं, उसके बाद उन्होंने प्लेऑफ्स के कई बार सफर तय किए, लेकिन गुजरात टाइटंस को क्या अलग करना पड़ेगा ताकि इस मोमेंटम को मेंटेन कर सकें और एमआई और सीएसके जैसी टीमों को चैलेंज कर सकें? एक अच्छी बात हुई थी हमारे इंग्लिश शो पे, जब जहां पर एक पॉइंट रेस किया था कि क्या होता कि अगर कोई टीम, इंग्लिश में कहावत है नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, तो कोई टीम कामयाब होती है फिर हम जैसे लोग बैठ के फिर देखते कि रेसिपी क्या है, किसके वजह से ये टीम जीती, और फिर हम तीन चार एक रीजंस देते हैं। लेकिन मुझे अभी लगता है, इतने सालों से आईपीएल देखते आया हूं, कि अगर कोई टीम सक्सीड हुई है तो वो उनके कारण थे उस सीजन जीतने के लिए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि गुजरात टाइटंस एक अच्छी एक बड़ी टीम आई है, जीती जरूर है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन, बिल्कुल डिजर्व करते हैं। अगले सीजन में उनका परफॉर्मेंस कैसे रहेगा? राजस्थान रॉयल्स जो इतने सालों के बाद फाइनल्स में आई है, तो ये अगर अगले सीजन फिर से आप उसी तरह का परफॉर्मेंस देखेंगे और 10 टीमें हैं तो अंत में आना इतना आसान नहीं होगा, फिर आप कहेंगे यस दो और टीमें आई हैं। जब मुंबई इंडियंस और सीएसके डोमिनेट कर रही थी तो उनके पास 8 या 9 प्लेयर्स ऐसे थे कि अगर 3-4 फेल हो गए तो पीछे वाले संभालते थे, सीएसके एट देयर पीक वर लाइक दैट, मुंबई इंडियंस ऑल्सो, तो मुंबई गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स को भी उसी तरह बनना होगा, फिर वो कंसिस्टेंसी आती है जीतने में। लेकिन ये गलत टॉपिक है आज रात बात करने के लिए, क्योंकि इन दोनों टीमों को सिर्फ तारीफ की जरूरत है आज। संजय बहुत मजा आया इस पूरे सीजन हमारे साथ ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी और अंग्रेजी में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज जाने से पहले शायद ये जरूर पूछना चाहूंगा कि हाईलाइट ऑफ आईपीएल आपके लिए क्या रही? हाईलाइट ऑफ दी आईपीएल ये रही है कि जो छोटे नाम है, लो प्रोफाइल प्लेयर्स है, उन्होंने आईपीएल का स्तर बढ़ाया, और मैं हमारे यंग फास्ट बॉलर्स की बातें कर रहा हूँ, बैटर्स की बातें कर रहा हूँ, पट्टीदार राहुल त्रिपाठी, इतने बड़े नाम ने, अभिषेक शर्मा, और फास्ट बॉलिंग में तो उमरन मलिक ने हलचल कर दी, मोहसिन खान, मुकेश चौधरी भी, यश दयाल भी, तो इन लोगों ने आईपीएल का स्तर ऊपर रखा, और
ये शायद ओनली आईपीएल होगा जहां पर ये जो लो प्रोफाइल प्लेयर्स होते हैं जिनके बारे में ज्यादा बातें नहीं होती, उन्होंने काफी मीडिया स्पेस इस आईपीएल में लिए, तो वेल डन